सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लट लकार के कुछ उदाहरण इस वीडियो में दिए गए हैं, आइए इनको एक बार समझते हैं। सबसे पहले पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में ये टेबल में दिए गए हैं। सबसे पहले प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में अगर एक वचन है तो वह पढ़ता है, तो इसका अगर संस्कृत बनेगा तो संस्कृत में बनेगा इसका सह पठति। इसका अगर हम द्विवचन में करते हैं तो ये होगा वे दोनों पढ़ते हैं, तो इसका संस्कृत बनेगी त पठतः, त पठतः। इसका बहुवचन होगा वे सब पढ़ते हैं, तो इसका संस्कृत बनेगी ते पठति, तो बनता है वे सब पढ़ते हैं। अगला है वह पढ़ती है, तो इसका जो संस्कृत बनता है वो बनेगा सा पठति, सा पढ़ती, सा पढ़ती का बनेगा वह पढ़ती है। इसका द्विवचन होगा यानी दो वचन में अगर हम इसको करेंगे तो ये होगा वे दोनों पढ़ती हैं, यानी यहाँ पे अब वो दो हो गए। पहले बार में था सह पठति यानी एक था, जब दो हो जाती हैं तो वो हो जाती हैं वहाँ पे वे दोनों पढ़ते हैं, और जब बहुवचन दो से जब ज़्यादा होते हैं तीन चार पाँच तो वे सब पढ़ते हैं, तो वे की जगह ते हम लगाएंगे और वे की जगह आप तो लगाएंगे दो वचन के लिए। स पठति, इसका अगर आप द्विवचन होगा तो ये बनेगा ते पठतः, और इसका बहुवचन बनेगा ता पठती। अगला है फल गिरता है, यानी फल गिरता है, तो इसका संस्कृत बनेगी फलम पतति, पतति होता है गिरना, फलम पतति यानी फल गिरता है। इसका अगर द्विवचन में होगा तो होगा दो फल गिरते हैं, अब यहाँ पर दो फल गिरते हैं तो यहाँ पर संस्कृत में बनेगा फले पततः। अगर ये बहुवचन होगा तो हो जाएगा फल गिरते हैं, यानी एक वचन में फल गिरता है, दो फल गिरते हैं, थर्ड में हो जाएगा फल गिरते हैं, तो इसका होगा फलानि पततः या फलानि पतति। अब यहाँ पे एक वचन में होगा तो फलम पतति, दो वचन में द्विवचन में अगर होगा तो होगा फले पततः, अगर तीन वचन में होगा तो होगा फलानि पतन्ति। अगला हमारा है आप जाते हैं, यानी हमारा जो सेंटेंस नेक्स्ट है वो है आप जाते हैं, तो इसको अगर हम एक वचन में बोलेंगे तो ये होगा भवान गच्छति, अगर इसका द्विवचन हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा भवन्तः गच्छतः, यानी आप दोनों जाते हैं। अगर इसका बहुवचन हम करना करेंगे तो ये होगा फला अपना भवतः गच्छन्ति, यानी आप सब जाते हैं। अगला हमारा है मध्यम पुरुष, यहाँ पर तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी पुरुष जो होते हैं वो तीन होते हैं, जो वचन होते हैं वो भी तीन हैं। यहाँ पे मध्यम पुरुष में देखते हैं तुम पढ़ते हो, अब तुम पढ़ते हो तो यहाँ पर आएगा त्वम पठसि, इसी का अगर बहुवचन हम बनाएंगे तो हिंदी में हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो, तो इसका संस्कृत बनेगी युवाम पठतः, युवाम पठतः, यानी दो वचन हो गया, इसी का बहुवचन हो जाएगा युवम पठत, यानी तुम पढ़ते हो, तो पहला सब हिंदी में हो गया तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, इसका संस्कृत हो जाएगा त्वम पठसि, युवाम पठतः, युवम पठत। अब आते हैं उत्तम पुरुष की तरफ, अगला हमारा जो है वह है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में हो जाएगा मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यह है एक वचन। अगला हो जाएगा द्विवचन में हम दोनों पढ़ते हैं, और बहुवचन में हो जाएगा हम सब पढ़ते हैं।
तो यानी यहाँ पे जो बनेगा, जो एक वचन के लिए है वह है अहम पठामि, द्विवचन के लिए आवाम पठाह, और बहुवचन के लिए होएगा वयम पठामः। तो अहम पठामि, आवाम पठावा, आवाम वयम पठामः। तो ये हमारे पुरुष, जो मध्य पुरुष है, उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में भी आपने सीख लिया। हमें उम्मीद है कि हमारे चैनल द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।